हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर गेनर यूट्यूब चैनल में। ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, एसएससी जीडी जो कि वैकेंसी 10 दिसंबर के बाद आने वाली थी, 10 दिसंबर से उसका फॉर्म अप्लाई होने वाला था, लेकिन बहुत जल्द सरकार ने और विभाग ने ये वैकेंसी को मंजूरी दे दी है और ये वैकेंसी आ चुका है। तो आप लोग खुश हो जाइए और तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आज हम नोटिस को पूरा से देखते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा कुछ पूछा जा रहा है इसके बारे में पूरा नॉलेज लेते हैं, जानकारी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, नोटिस को पूरा देखते हैं। ये देखिए इस बार का नोटिस है, ठीक ना। अभी फिलहाल कल ही से ये जारी किया गया है, इसमें फॉर्म डेट अप्लाई वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 तारीख से, ठीक है, यानी कि कल से 27 से 11 जो नवंबर है, नवंबर 30 नवंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट आपका जो है 30/11/2022 रखा गया है, ठीक है, और 27 तारीख यानी कल से ये फॉर्म डालाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग एक छठ पूजा के बाद, ठीक है, 31 को छठ पूजा है, उसके जस्ट बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लें, ज़्यादा लेट ना करें, ठीक ना। अगर आपको डालना है फॉर्म तो डाल लें, ठीक है। और चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में और कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या चेंज हुआ है, कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है, सब कुछ इसमें देखते हैं हम। तो देखिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए सैलरी को लेकर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का रहता है कि यार सैलरी कितना दिया जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी जॉब करता है सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सैलरी के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके बता रहा हूँ। यहाँ ये देखिए, देखिए यहाँ पर कितना, 18,000 से लेकर 56,900। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपका जो सैलरी रहता है मिनिमम 33,000 से ऊपर ही रहता है और एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, और रिस्क जोन रहता है, इस हिसाब से भी आपका जो है कि सैलरी ज़्यादा रहता है और पोस्ट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा पोस्ट है, उस हिसाब से भी मिलता है। ऐसे तो सैलरी सबका बराबर होता है, रिस्क अलाउंस बढ़ जाता है। जैसे कोई अगर CRPF लेता है, CRPF उसको मिलता है तो उसमें रिस्क अलाउंस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका सैलरी जो CISF होते हैं उनके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ठीक है ये आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पोस्ट के बारे में कि पोस्ट कितना है इसमें। तो पोस्ट तो थोड़ा कम है, लेकिन टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, हमें एक सीट से लेना देना है, ठीक है। हमको ये नहीं देखना है कि 24,000 रह गया हो तो क्या होगा, अगर जिसको होने वाला है वो इस 24,000 में भी हो जाएगा, लेकिन नहीं होने वाला है तो वो 50,000 भी आ जाए, 1,00,000 भी आ जाए तो उसका नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो आपको मेहनत करना है, आपका ज़रूर होगा, ठीक है। देख सकते हैं पूरा सीट इसमें जो है कि 24,369 सीट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पूरा बताया भी गया है कि किस किस विभाग में कितना वैकेंसी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे BSF, ठीक है, इसमें देखिए आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है 10,497, यानी सबसे ज़्यादा पोस्ट का वेटेज जो है इसी का है, ठीक है। उसके बाद CISF का है जिसमें 100 पोस्ट है, ठीक है, CISF का। उसके बाद आपका CRPF का पिछला बार नहीं दिया था लेकिन इस बार दिया गया है, तो इसमें देख सकते हैं 8,911 पोस्ट है। इसी तरह से कुल पोस्ट जो है 24,000, इसका पूरा ऐड करके ये नया ऐड किया गया है, क्या बोलते हैं ना, NCB, ये 2 साल पहले वैकेंसी जो आया हुआ था, इसे पिछले वाले वैकेंसी में NCB ये सब दिया हुआ था, लेकिन इस बार जो है कि इसमें नया ऐड किया गया NCB, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं NCB, इसका जो है कि कुल 164 पोस्ट है, तो इसको मिला के जो है 24,369 पोस्ट है। देखिए NCB और आपका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है SSF, ये दोनों का ऑल इंडिया रैंक बनता है, ठीक है, ऑल इंडिया मतलब कि इसका जो है कि कट ऑफ और मेरिट लिस्ट बनता है, और ये ऑफिशियल थोड़ा होता है, काफ़ी लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं, तो थोड़ा सा रहता है इसका वेटेज मांग। और चलिए आगे देखते हैं हम और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर चलिए देख लेते हैं हम, एज का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए आपका जो है 18 वर्ष से 23 वर्ष उम्र होना चाहिए, लेकिन इस बार जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार जो है आपका रिलैक्सेशन भी दिया गया है 3 ईयर का, ठीक है। आप यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर देखिए, ठीक है, रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है 3 साल का आप लोगों को, ठीक है। 18 से 23 वर्ष जनरल नॉर्मल एज रहता है, जो आपका काउंट होगा 1/1/2023 तक आपका काउंट होगा, ठीक है, और 2/1/2002 के बीच में, लेकिन आपको रिलैक्सेशन के कारण जो है 1/1/2005 तक के बंदे भी भर सकते हैं, और जो 2/1/1997 के जो हैं कैंडिडेट वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 साल को आपका जो है कि यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिल जा रहा है, और जो नॉर्मल जो छूट मिलता है SC ST OBC को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 3 ईयर 5 ईयर का। और चलिए आगे आपको हम और दिखाते हैं और इसमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, और ये नोटिस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में डिस्कशन कर रहा हूँ। इससे आपको पता भी चलेगा कि हाँ कितना पोस्ट आया है, NCC का क्या वोटेज है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले उसके बारे में पूरा तरह से जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं NCC अगर C सर्टिफिकेट है आपको तो 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, B है तो 3% और A है तो आपको 2% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब है कि जो आपका जितना मतलब कि जैसे कि मान गया 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो उसका 5% क्या हुआ, 5 नंबर हुआ। उसी तरह से आपका जितना नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें से आप उतना परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उतना नंबर आपको दिया जाएगा, इस बार भी सारे बच्चों को दिया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये आपका लगेगा ओनली, ठीक है, 100 रुपया फॉर्म चार्ज है। और चलिए आगे देखते हैं नीचे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के लिए। वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, पूरा आपको जितना भी है पूरा जानकारी इसमें दिया जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है, क्या क्या इसमें नोटिस एंड इंपॉर्टेंट नोटिस जो जानना है। तो देखिए पैटर्न इस बार चेंज हो चुका है एग्ज़ाम का, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिछला बार क्या था कि सब्जेक्ट तो सेम ही है, ठीक है, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश और हिंदी में ये ना लेके यार यार इंग्लिश पूछता है, देखिए हिंदी और इंग्लिश में क्या है कि दोनों में से आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, उसी का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो सेम है, लेकिन क्या किया गया है कि पिछले बार सारे क्वेश्चन 25-25 नंबर के थे, ठीक है, और 25-25 क्वेश्चन थे, यानी कि 100 नंबर का 100 क्वेश्चन था और 1.5 घंटा समय मिलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सारे में से 5-5 को जो है कि नंबर घटा दिया गया है, 5-5 क्वेश्चन घटा दिया गया है, और जितने भी 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन पूछने के कारण जो है कि इसको 2-2 नंबर का कर दिया गया है। जैसे कि 20 को क्वेश्चन होगा तो वो 40 नंबर का होगा, ठीक है, और इसी तरह से कुल 80 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और इसके लिए आपको दिया जा रहा है 60 मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम का किल्लत है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपका 20 क्वेश्चन भी कम हो जा रहा है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही अच्छा है, ठीक। आप रीजनिंग हो गया, और मैथ में देखिए, मैथ में आपसे केवल एलिमेंट्री मैथ पूछा जाएगा, यानी एडवांस लेवल का आपका मैथ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप एडवांस पे ज़्यादा फोकस ना करें, नॉर्मल मैथ जो होते हैं, एवरेज हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, यही सबसे क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, और हिंदी भी काफ़ी आसान होता है, और रीजनिंग तो मत पूछिए, रीजनिंग भी बहुत काफ़ी लेवल का रहता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर वहाँ पर मैसेज किया तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेरे पास है मैं भेज सकता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं नीचे क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो एक देखिए, फिजिकल से रिलेटेड बहुत से कैंडिडेट होते हैं कि फॉर्म आता है भर देते हैं, लेकिन उन्हें फिजिकल के बारे में पता ही नहीं होता है, तो बाद में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप इसके बारे में जान लीजिए। देखिए अगर बॉयज़ कैंडिडेट है तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, ठीक है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। और देखिए नीचे चलते हैं हम, हाइट को लेकर के भी काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि हाइट क्या खोजेगा। तो देखिए हाइट 170 सेंटीमीटर एल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट और 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है। और रिलैक्सेशन जिन लोगों को मिलता है, तो चलिए नीचे देखते हैं रिलैक्सेशन का क्या प्रावधान है। तो रिलैक्सेशन में यहाँ देख सकते हैं जो एसटी कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को इसमें मिलता है केवल रिलैक्सेशन। तो एसटी कैंडिडेट जो मेल है उनको 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। और तो देख सकते हैं आप जो लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोगों का यहाँ पे दिया होगा। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो बन जा रहा है, तो ये सब देख सकते हैं आप। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के अगर मैसेज कीजिएगा तो मैं ये PDF जो है आपको दे दूँगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो देखिए हाई और चेस्ट के बारे में भी देख लीजिए, तो देख जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको जो है कि 80 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट चाहिए और फुला करके, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए पूरा प्रॉपर, यानी 85, ठीक है। तो 80 से 85 आपका जो है कि चेस्ट होना चाहिए। और जिन लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, जैसे आप एससी कैंडिडेट को यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो इनका यहाँ पे 76 सेंटीमीटर होता है, यानी 4 सेंटीमीटर का यहाँ रिलैक्सेशन है, और उसके बाद 5 फुलाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं और भी एरिया के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं सब दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसके वजह से मैं थोड़ा जो है कि नॉर्मल इसके बारे में बताते चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, अगर UR से हैं आपको तो 30% और OBC EWS से हैं तो 25% और अदर किसी कैटेगरी से हैं, अदर कैटेगरी से, तो आपको 20% का रिलैक्सेशन, 20% मतलब कि मिनिमम नंबर आपको लाना होगा। लेकिन क्या होता है ना कि आप इतना परसेंट अगर मिनिमम नंबर लाते हैं तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपका जितना जो वैकेंसी है और कितना कट ऑफ जाने वाला है, कट ऑफ के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा, ठीक है। जैसे कि इस बार का कट ऑफ 60 गया है, 63 गया है, तो इस बार का कट ऑफ जो है कि 70 से काफ़ी नीचे है, तो आप रख सकते हैं कि आपको उतना लाना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम, और थोड़ा और भी हमको जो है कि पैटर्न जो चेंज हुआ है तो वहाँ नंबर के बारे में डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिएगा, ठीक है। देखिए और भी हम देख लेते हैं नीचे जाकर कि क्या आप लोगों के लिए और भी कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन है क्या। तो चलिए एग्ज़ाम के पास हम चलते हैं,
पैटर्न के पास, और वहाँ चल के कुछ समझते हैं जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। वीडियो को अगर आप लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि अभी चैनल के सपोर्ट की आप लोगों की बहुत ज़रूरी है ताकि चैनल ग्रो कर सके। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका 160 नंबर का, ठीक है, यहाँ पे यानी 40-40 जोड़ेंगे, ठीक है ना, 160 नंबर का कुल आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो है कि नंबर लाना होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है क्योंकि पिछले बार एक नंबर का था, और इस बार देखिए निगेटिव मार्किंग को लेकर के काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो देखिए पिछले बार से निगेटिव मार्किंग ला दिया गया है और निगेटिव मार्किंग इस बार भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निगेटिव मार्किंग के बारे में, देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, 0.50 का। ठीक है, तो पिछले बार जैसे कि 0.25 का था, तो उसका दोगुना कर दिया गया है क्योंकि आपको नंबर भी तो दोगुना दिया जा रहा है ना, 20 क्वेश्चन का 40 दिया जा रहा है, तो इसलिए कोई इसमें फ़र्क नहीं है, सब सेम है। ठीक है, केवल आपका 20 क्वेश्चन कम कर दिया गया है, इसके लिए आधा घंटा भी आपको कम कर दिया गया है। और जो क्वेश्चन एक नंबर का था तो नंबर से हमको क्या लेना देना है, ये एक नंबर का रहे चाहे 50 नंबर का हो जाए, ये वो क्वेश्चन बात तो सेम ही है। ठीक है, तो बस इतना इन्फॉर्मेशन था। कुल 160 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, कुल 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे, सब क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और निगेटिव मार्किंग को आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अभी से ही अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग के पास 3 महीना टाइम है। ठीक है, तकरीबन पिछले बार 1.5 महीना मिला हुआ था फॉर्म अप्लाई करने के बाद समय, 1.5 महीना फॉर्म अप्लाई करने में गया हुआ था, लेकिन इस बार 1.5 महीना से भी कम दिया गया है टाइम। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए भी आपको मुश्किल से 30 से 35 दिन दिया जा रहा है। इसके बाद हमको लगता है कि आपका जो है कि फरवरी मार्च तक जो है कि आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। ठीक है, मार्च में आपका एग्ज़ाम हो, 1 महीना इसका एग्ज़ाम चलता है। और कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, या कमेंट में मैं सारे लोगों को रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जो आपका दिक्कत हो या कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा चैनल ग्रो कर सके। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।